नमस्कार, स्वागत है आपका। क्या 124 साल पुरानी परंपरा अमेरिका की टूट जाएगी? 124 साल पुरानी परंपरा का जिक्र हम क्यों कर रहे हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडन को जीत के बाद बधाई देंगे या नहीं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अच्छा, अमेरिका का चुनाव जो है बहुत ज्यादा तनावपूर्ण स्थिति में पहुंच गया था। एक वक्त ऐसा लग रहा था, तनावपूर्ण क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पुलिस और ट्रंप सपोर्टर्स के बीच लगातार झगड़ों की तस्वीरें आई हैं, हवाई फायरिंग की बातें सामने निकल कर आई हैं। इसके अलावा जिस तरह से न्यूयॉर्क वासियों ने इलेक्शन के रिजल्ट से पहले ही अपनी दुकानों के बाहर प्लाईवुड के बोर्ड्स लगा दिए थे उन्हें बचाने के लिए, वो ये बताते थे कि अमेरिका की हवा में एक तरह का खौफ तो है कि नतीजा अगर ट्रंप के खिलाफ आया तो फिर चीज़ें उलट सकती हैं। लेकिन पिछली बार हिलेरी क्लिंटन के खिलाफ आया था तो भी हमने देखा था कि सड़कों में किस तरह से कई तरह के जो कहते हैं ना डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स कहते हैं जिन्हें, वो उतर आए थे। और इसके बाद पूरी दुनिया ने देखा था कि हुआ क्या था। ऐसे में बहुत ज़्यादा दिलचस्प इस वक्त पर यह हो जाता है कि अब जबकि ये सारी की सारी बातें साफ हो चुकी हैं, आंकड़ा एक तरह से जो बाइडन के फेवर में हो चुका है, दुनिया के नेताओं ने उन्हें बधाई दे दी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बधाई दे चुके हैं, लगातार चाहे आप एंजेला मर्केल की बात करें या आप लगातार कनाडा, यूके, कहीं भी अगर आप बात करें तो हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ बधाई देता नजर आया जो बाइडन को। लेकिन ऐसे में क्या डोनाल्ड ट्रंप बधाई नहीं देंगे? और डोनाल्ड ट्रंप नहीं बधाई देंगे तो क्या 124 साल पुरानी परंपरा जो है क्या वो टूट जाएगी अमेरिका में? क्योंकि 124 साल पुरानी परंपरा है कि जीतने वाले शख्स को हारने वाला शख्स जरूर बधाई देता है। 1896 में पहली बार ये परंपरा सामने निकल कर आई थी, जहां पर हारने वाले उम्मीदवार ने जीतने वाले को भावुक बधाई संदेश दिया था। तब से ये परंपरा अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के साथ जुड़ गई और उस चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से विलियम मकिनले और डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से विलियम जोनिंग्स ब्रायन उम्मीदवार थे। तो ये तब की परंपरा है, 1896 की परंपरा है। क्या ये परंपरा इस बार टूट जाएगी? खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की बातों से, उनके ट्वीट से तो यही लगता है कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। वो बार बार ये कह रहे हैं कि ये फर्जीवाड़ा है, बार बार ये कह रहे हैं कि ये गलत हुआ है, बार बार ये कह रहे हैं कि मैं तो बहुत सारे वोटों से जीत चुका हूँ लेकिन मेरे साथ गलत हो रहा है। ऐसे में जब वो अपनी हार मानने के लिए तैयार नहीं है और सामने वाला अपनी जीत, क्योंकि वो लोकतांत्रिक तरीके से हुई है, तो मान चुका है, ऐसे में क्या डोनाल्ड ट्रंप इस 124 साल पुरानी परंपरा को तोड़ देंगे? और अगर वो ऐसा करते हैं तो क्या रिपब्लिकन्स उन्हें ऐसा करने देंगे? क्योंकि रिपब्लिकन्स को क्या सिर्फ यही चुनाव नजर आ रहा है? क्या 2024 में चुनाव नहीं होगा? और अगर 2024 में चुनाव होगा तो क्या रिपब्लिकन्स की तरफ से कोई कैंडिडेट नहीं आएगा? अगर कैंडिडेट आएगा तो ये जो पूरी की पूरी फेस वैल्यू है, इसको चोटिल नहीं कर रहे हैं, इसको धूमिल नहीं कर रहे हैं, इसको दागदार नहीं कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? ये सबसे बड़ा सवाल है। इन सवालों के साथ छोड़े चले जा रहा हूं। आप लोगों से जरूर जानना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप की ये जो प्रतिक्रिया है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? वो कल गोल्फ खेल रहे थे जिस वक्त पे नतीजे आ रहे थे, जिस वक्त पे मतलब लीड ले ली थी, 270 का जादुई आंकड़ा छू लिया था जो बाइडन ने, और उसके बाद जब उनका केबल केड निकला वहां से तो हर कोई बू कर रहा था अमेरिका की सड़कों पर, वाशिंगटन की सड़कों पर, और इसके साथ साथ फ्लैग्स जो है वो जो बाइडन के लहराए जा रहे थे। और दिलचस्प तस्वीरें थी, बहुत ज़्यादा दिलचस्प तस्वीरें थी, बहुत शोर था, गाना था, अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स थे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे, हर कोई अपने तरीके से खुशी का इजहार कर रहा था, और ऐसा अमेरिका के लगभग लगभग हर हिस्से में देखने को मिला है। तो क्या ट्रंप इस परंपरा को तोड़ देंगे? मेरा सवाल यही है, आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।